आज हमारे बीच बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि संविधान क्या होता है और संविधान दिवस हमें क्यों मनाना चाहिए। सुधीर राज सिंह जी, बताइए हमें। देखिए, अगर किसी देश में, किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी दुकान में, किसी मकान में, किसी फैक्ट्री में अगर एक सिंगल व्यक्ति रहता है, एक अकेला आदमी रहता है, एक अकेला मनुष्य रहता है, तो उसे जीवन यापन करने के लिए, काम करने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए किसी भी विधान की, किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। मगर अगर आप समूह में रहते हैं, गांव में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, किसी दुकान पर काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, रेल में हैं, हवाई जहाज में हैं, बस में हैं, सड़क पर हैं, किसी दफ्तर में हैं, किसी सभा में हैं, किसी धर्म स्थल में हैं, तो आपको वहाँ के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस नियम को विधान कहते हैं। पाली के अंदर भी इसको विधान ही कहा गया है। ये विधान पाली का शब्द है, मगर विधान खाली एक नियम होता है। और विधान में अगर सम्यक सम लगा देते हैं या खाली सम लगा देते हैं, सम का मतलब है समता, इक्वलिटी, और सम्यक माने सही, तो ये हो जाता है सम्यक संविधान। सम्यक भाषा में नहीं बोला जाता, क्योंकि बुद्ध की अधिकतर जितने भी भाषाएं हैं या जितनी भी व्याख्या उन्होंने की हैं, उनमें सम्यक शब्द जरूरी है, क्योंकि किसी वस्तु का इस्तेमाल असम्यक, विसम्यक और सम्यक दोनों हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने खास रूप से कहा है कि सम्यक बातें करनी है। बातें तो आप करते रहते हैं, तो सम्यक करनी है। तो संविधान, सम्यक संविधान उसको कहते हैं जो समता के ऊपर आधारित रहता है, और इसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं विषम विधान या असमानता का विधान, नियम। दोनों नियम है, दोनों विधान है। अब भारत में जो संविधान है या जिसको समता का विधान बोलते हैं, समानता का जो नियम लागू हुआ पूरे देश में लोगों को जीने के लिए, एक बार अगर सरसरी दृष्टि से उस पर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में जब भगवान बुद्ध या उनके पहले का समय था, तब सम्यक संविधान लागू था देश के अंदर। कबीलों में, छोटे 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 कबीलों में, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने जो राज्य या जिनको जनपद बोला करते थे, 16 जनपद, उनमें गण व्यवस्था थी, और उसका जो चलाने वाला होता था उसको गणपति, गणनायक या अधिपति बोला करते थे, और वो गण पे आधारित होता था। बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया थी, लोग चुनते थे कि आप हमारे गणपति हैं, आप हमारे गणनायक हैं, और लोग उसको उसी हिसाब से काम करते थे। तो सबको समानता का अधिकार था। खाना सबको बराबर मिलेगा, रहना सबको बराबर है, इज्जत बराबर है, भाषा सबको एक सी है। भाषा ऐसी नहीं है कि किसी की अपमानजनक है या किसी की सम्मानजनक है। आंखों में रेस्पेक्ट है, कान को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, और बंटवारा बराबर होता था। ये नियम, सारे के सारे नियम भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ जब बनाया उसके अंदर भी डाले, सारा बंटवारा समानता का। ये अशोक के समय और उसके बाद उनके परपोत्र बृहदत्त के समय तक रहा, और देश ने खूब तरक्की की। देश बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा देश तभी रहा और सबसे खुशहाल देश भी तभी रहा। उसके बाद में यहाँ संविधान और समानता की व्यवस्था खत्म हो गई। ये संविधान और समानता की व्यवस्था बहुत बाद में जाके 1949 26 नवंबर को दोबारा से बनाई गई, और इसको नाम दिया, मॉडर्न नाम दिया इसको संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉमन इंस्टीट्यूशन लोगों का। और इस संविधान के तहत में ये बात रखी गई और पूरे देश ने मानी कि पूरे देश के जो नागरिक हैं वो सारे एक से हैं। अब एक से कैसे हैं, इसको अगर हम बहुत साधारण शब्दों में बताएंगे तो आप ये समझ लें कि जैसे देश पूरी एक माता है, मदर है, और देश में 10 बच्चे हैं। अब देश की जो माता है या जो देश के चलाने वाले लोग हैं या जो देश का संविधान है, वो ये कहे कि सिर्फ देश का एक बच्चा सब पढ़ेगा, एक बच्चा लिखेगा, एक बच्चे को ही सबसे बेहतरीन खाना मिलेगा, एक बच्चे को ही दूध मिलेगा, एक बच्चे को ही सोने के लिए बिस्तर मिलेगा, एक बच्चे को ही चलाने के लिए कार मिलेगी, एक बच्चे को ही पढ़ने के लिए स्कूल मिलेगा, और एक बच्चे की ही सेहत का ध्यान रखा जाएगा।
तो वो जो बच्चा है वो तो उन्नति कर जाएगा क्योंकि उसको समय के हिसाब से सारी चीजें मिली हैं, मगर जो 9 बच्चे हैं जिनको नहीं मिला वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। अब वो जो 9 बच्चे हैं वो 10वें बच्चे से कहेंगे कि भाई आप पढ़े हो, आप लिखे हो, आपके पास पैसा है, सारा संसाधन माता ने आपको दिया है, सारी चीजें आपको दी हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हिस्से में से हमें दो, क्योंकि जीना तो हमें भी है, देश के तो हम भी बच्चे हैं, तो देश बाहर के बच्चे तो है नहीं। तो माता ने अगर ऐसा भेदभाव किया तो इसको संविधान नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे विषम विधान। मगर भारत में 1949 के बाद में 26 जनवरी को जो एक्सेप्टेंस हुई, जो मान्यता मिली, वो तो पूरे भारत से मिली कि अब सबको संसाधन, सबको मौके, सबको शिक्षा, सबको अधिकार, और जो पीछे रह गए हैं 2000 साल से उनको भी बराबर लाने का मौका दिया जाएगा। ये संविधान है। इस संविधान को आने के बाद में, इस संविधान में बराबरता के आने के बाद देश तेजी से आगे बढ़ने लगा। पूरे संविधान की खास बात देखेंगे तो इस संविधान में आपकी जो रिलीजियस वैल्यू है, जो आपकी धार्मिक मान्यता है, उनको नहीं छेड़ा गया है। इस पूरे संविधान के अंदर कहीं ईश्वर की बात नहीं है, ईश्वर आपका अपने साथ है, आपका जो भी ईश्वर है आप उसे माने, आपको पूरी आजादी है, आप कोई सा भी ईश्वर माने इसकी भी आजादी है, मगर बाकी सारी चीजें आपके लिए इसमें इक्वल हैं, इसलिए इसको संविधान बोलते हैं। और संविधान एक खास बात लिए हुआ आया है क्योंकि जब पहले घर बने और कबीले बने छोटे छोटे, तो सभी के संविधान चलते रहे, विधान संविधान या विसंविधान, और लोग अपने घर को, अपने कबीलों को जिन नियमों और जिन विधानों के तहत में चलाते हैं वो बनते आ रहे हैं। पुराने वाले जो नियम है वो पुराने पड़ते जाते हैं, नए मॉडर्न बनते जाते हैं। ऐसे करते 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 लगभग पूरी दुनिया में 4200 मत और 4200 विधान संविधान या विसंविधान बने। एक संविधान जो आज समता के आधार पर बना है उसको अगर कुछ लोग तोड़े मोड़े या उसका उपयोगिता खत्म हो जाए या समय परिस्थिति बदल जाए तो वो विसंविधान में या खाली विधान में या खराब विधान में या टूटे फूटे विधान में या नकारा निकम्मे विधान में बनके रह जाता है, तो उसको मॉडिफाई किया जाता है और अगला वाला जो आता है उसको मॉडिफाई करके वो पुरानी जितनी कमियां हैं उसको दूर किया जाता है, फिर उसको आगे बढ़ा जाता है। ऐसे करते करते जो ये संविधान बनाया और इस संविधान में सारी बातें रखी गई, इसमें एक खास बात ये रखी गई कि अब इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार आप इसमें मेहनत करेंगे, बार बार बदलेंगे तो दिक्कत आएगी। जो समय के हिसाब से कमियां हैं या जो समय के हिसाब से इसमें कुछ और जोड़ना है या घटाना है उसका इसमें प्रावधान है, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेबल है, ये वेरिएबल है, ये लगातार बदल सकता है, ये इसकी खूबी है, ये इसकी पावर है, ये इसकी खासियत है। दुनिया के सभी देश जितने भी हैं, सभी घर, सभी मत, सभी मठ, सभी ऑफिस, सभी दफ्तर, सभी का कोई ना कोई विधान होता है, लिखित में हो, मौखिक हो, या पहले से चला आ रहा हो, या बस ऐसे ही मान लिया जाए। और देशों के लगभग सबके विधान हैं, संविधान है, और देश अपने संविधान दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि पूरा देश तरक्की इसके आधार पर करता है। अगर संविधान कमजोर होगा, संविधान निकम्मा होगा तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा और उसमें विध्वंस फैल जाएगा, तरक्की की बजाय उसमें आग लग जाएगी। इसलिए एक मजबूत संविधान का एक तरक्की होने के लिए पैमाना होता है। संविधान जितना लचीला, जितना सुंदर और जितना सुदृढ़ और जितना रिलायबल और जितना चेंजेबल होगा उतना ही मजबूत माना जाता है। ये भारत जैसे देश की एक खूबी है कि इसका जो संविधान है उसको 20 देशों ने कॉपी किया और 20 देश वहां से इसको ले गए और इसको मानते हैं, क्योंकि सारे दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनको पढ़ के, उनको देख के, जांच परख के और यहाँ की परिस्थितियां और यहाँ की स्थितियां समझकर पूरी की पूरी बॉडी ने इसको बनाया। और इसके जो चेयरमैन रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनमें इतनी सूझबूझ थी कि उनका इतना ज्ञान था, जो छठे नंबर के ज्ञानी माने जाते हैं, कि आज तक भी इससे अच्छा संविधान विश्व में कोई बना नहीं पाया। आगे बने या ना बने वो अलग की बात है, मगर अभी तक तो ये उनके नाम लिखित में है। अब संविधान क्यों मनाना चाहिए? सभी देश मनाते हैं, सारी सरकारें मनाती हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय उत्सव है। इसको इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि संविधान आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने की एक नियमावली, एक किताब है, आपके जीवन को समानता पर आधारित सारे मौके देने वाली और विश्व में आपका स्थान ऊपर करने वाली एक रूल बुक है, एक नियम है, और ये नियम बहुत मेहनत से बनते हैं और ये नियम जीवन को ठीक करते हैं। तो राष्ट्रीय उत्सव है क्योंकि राष्ट्र इससे चलता है, राष्ट्र की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका ये स्ट्रक्चर है, उनका ये बेस है,
पूरा राष्ट्र इस पर चलता है। तो ये राष्ट्र की सबसे लेटेस्ट किताब होती है, इस किताब की मान्यता बहुत ऊंची होती है और इससे एक देश की इज्जत और बेइज्जती नापी जाती है कि वो देश कैसा है। क्योंकि यहाँ गणतंत्र है तो गणतंत्र जो देश है दुनिया में वो ऊंचे स्तर पर माने जाते हैं और भारत का गणतंत्र तो जनसंख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा है दुनिया के अंदर और बड़ा सफल है और बड़ा अच्छी तरह से चलता है। तो इस राष्ट्रीय उत्सव को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव आप मनाएंगे तो समता का संविधान मजबूत होगा। कैसे मनाना चाहिए? आप कोई संविधान मोटरसाइकिल रैली निकाल सकते हैं, आप कोई संविधान साइकिल रैली निकाल सकते हैं, आप कोई संविधान कार रैली निकाल सकते हैं, आप कोई भंडारा करके लोगों को खाना खिला सकते हैं, आप संविधान का जन जागरण रात में करा सकते हैं, आप संविधान का पाठ करा सकते हैं, आप संविधान की कोई किताब अपनी तरफ से बांट सकते हैं, आप संविधान की जो फंडामेंटल राइट है उनको छोटे बच्चों को पढ़ा के समझाया जा सकता है, आप किसी ऐसे आदमी को जो संविधान की उपयोगिता नहीं जानता उसके साथ उपयोगिता करके इसको मजबूत कर सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं, आप जो संविधान है उसके ऊपर एक सेमिनार लगा सकते हैं, आप संविधान की और उच्च जो शिक्षा है उनके ऊपर एक बड़ा गोष्ठी सेमिनार करके कोई पेपर पब्लिश कर सकते हैं, आप संविधान का पिकनिक के रूप में मना सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पे मैं खुद पिछले 69 ईयर से इस बार जाऊंगा और वहां जाके जो लोग आते हैं उनके साथ में मनाते हैं क्योंकि वहां 69th वहां है और लगातार वहां लोग जाते हैं। तो ये संविधान दिवस वहां जाके हम परिवार के साथ में खुद खाना खाते हैं और थोड़ा खाना ज़्यादा बना के ले जाते हैं क्योंकि कुछ लोग सीधे भी आते हैं तो उनको खीर और खाना हम वहाँ साथ मिलकर खाते हैं, नाश्ता गाना होता है, ऐसे ही मना सकते हैं। तो संविधान दिवस की आप मंगल कामनाएं दे सकते हैं, आप ग्रीटिंग्स बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे जैसे दीपावली पे, क्रिसमस पे और जैसे ईद पे आप एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, वैसे ही आप इसको देश विदेश में 69th संविधान या जो भी आपका संविधान जिस साल पड़ता है उस साल के हिसाब से लोगों को ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। आपको भी संविधान की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।